लोगों को लेकर आ चुकी हूँ छठ पूजा स्थल पे, जहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं शाम को डूबते हुए सूरज की पूजा करने के लिए। और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे लोग अपने अपने बेबी के पास काला फूल चढ़ा रहे हैं। कुछ लोग की मन्नत होती है तो उन्होंने साड़ी चढ़ा रखी है और यहाँ पे सारे फल फूल सजा दिए हैं और सूर्य देव के अस्त होने का इंतजार कर रहे हैं। जब सूर्य देव अस्त होने वाले रहेंगे तब लोग नदी में या तालाब में जहाँ पे ही वहाँ पूजा कर रहे हैं वहाँ पर उसमें जा कर के सूर्य भगवान को जल देंगे और डूबते हुए सूरज को प्रणाम करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे और कल फिर पुनः जल्दी उम्मीद हों ऐसा आह्वान करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और देखिए किस तरह से यहाँ पर पूजा हो रही है। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको आज बड़ौदा का दिखा रही हूँ कि किस तरह बड़ौदा शहर में छठ पूजा की जाती है। तो छठ पूजा का आनंद लीजिए और वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से लोग छठ पूजा का जो शाम का पहला अर्घ देना होता है तो अपने जोड़ा जोड़ा अर्घ दिया जाता है, यानी कि दो सूपों में फल फूल ठेकुआ वगैरह सब कुछ घर से धो के सजा के लेके आते हैं, सिंदूर वगैरह सब कुछ उसमें होता है। और ये सामने आपको बेदी दिख रही होगी, ये बेदी को भी पूजा की जाती है, इनको माला फूल पहनाया जाता है। जिनकी मनौती होती है वो लोग साड़ी वगैरह भी चढ़ाते हैं जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, और ऊख वगैरह खड़े ऊख चढ़ाया जाता है, बहुत लोग काट करके भी ऊँट चढ़ाते हैं। और यहाँ पे धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि संध्या काल हो चुकी है, अभी सूर्यास्त का समय धीरे धीरे हो रहा है, अभी समय नहीं हुआ है, लेकिन समय से पूर्व लोग पहुँच जाते हैं क्योंकि पीढ़ी की भी पूजा करनी होती है और वहाँ पे लोग गीत गाते हैं छठ का, तो उसमें भी टाइम लगता है। इसलिए सूर्यास्त के एक आध घंटे पहले लोग अपने अपने छठ स्थल पर पहुँच जाते हैं और गीत गाते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। तो ये मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से पूरा पूरा दिखाने का प्रयास कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। जाती है लेकिन यहाँ बड़ौदा में मैंने देखा है कि लोग ईंटे की वेदी परमानेंट बना करके रख देते हैं जिसे हर वर्ष पूजा जाता है, रंग रोगन कर दिया जाता है जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। इस प्रकार की वेदी हमेशा के लिए बना के रख दी जाती है और साल इसका रंगाई पुताई की जाती है और इसी की पूजा की जाती है। और यहाँ पर पास ही में एक तालाब है जहाँ पर सूर्य भगवान को डूबते हुए सूरज को जल दिया जाएगा और कल उगते हुए सूरज को भी जल दिया जाएगा, जो कि मैं अपने वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो कुछ इस तरह से लोग दौरा में सामान ले के आते हैं फिर सूप में सजा देते हैं, जैसा कि यहाँ पे ये महिला सजा रही है, सजा करके फिर उस सूप को पीले सिंदूर से टीका जाता है। ये कहा जाता है कि अर्घ देने की तैयारी की जा रही है, सूर्य देव को अर्घ देने की तैयारी की जा रही है, तो इसमें समय लगता है इसलिए लोग एक घंटा पहले आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे कि ये तालाब है, तालाब के पास लोग इकट्ठा हुए हैं, वहाँ पे महिलाएं अपना अपना जो सूप है वो तैयार करके पहुँच गई हैं। अभी सूर्यास्त में टाइम है लेकिन लोग पहले ही वहाँ पे किनारे जा कर के जल में खड़े होकर के सूर्य भगवान के अस्त होने का और दूसरे दिन सूर्य भगवान के उदित होने का इंतज़ार करते हैं। और यह ऐसा पर्व है जिसमें स्त्री के साथ साथ पुरुष भी व्रत रखता है। तो कुछ इस तरह से लोग देखिए तालाब में खड़े हो गए हैं और जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाते, जब तक जल नहीं दे देते तब तक ये लोग उस जल में खड़े रहेंगे। और आज पहला अर्घ है सूर्य भगवान को, जो कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रही हूँ।
पास कुछ लोग पूजा करने के लिए बैठे हुए हैं और यहाँ पे मिट्टी की बेदी बनाई गई है। जैसे कि बनारस में गंगा की मिट्टी से बेदी लोग बनाते हैं, वैसे ही बेदी यहाँ पे बनाई गई है और उस पर हल्दी और चावल का एक आयपद पीसा जाता है, उसका लेप करके उस पर कलश रखा गया है जल भर के, और उसके ऊपर आपको पान के पत्ते का पल्लव रख करके पूजा की जाती है, दिया बत्ती जला के पूजा की जाती है, कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाती है। और सूप में कुछ इस तरह से फल फूल सब कुछ ठेकुआ वगैरह सजा करके रखते हैं सिंदूर से टीक करके, कि सूर्यास्त का जब समय होगा तो यही लेकर के लोग तालाब में खड़े हो जाएंगे और सूर्य भगवान को जल देंगे। और आज पहला अर्घ है तो लोग तैयारी करके आए हैं, नहा धो करके आए हैं और यहाँ पे सब कुछ रेडी करके बैठे हैं और सूर्यास्त होने का बात जो रहे हैं। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ लोग तालाब में खड़े होकर के सिंदूर लगवा रहे हैं और वहाँ पे अपना जो सूप है सजा करके लेकर के वहाँ पे खड़े हैं। आइए आपको दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके से लोग, अभी सूर्यास्त हुआ नहीं है लेकिन तालाब में खड़े हो गए हैं और सिंदूर वगैरह लगवा करके भगवान के अस्त होने का इंतज़ार कर रहे हैं। और जब वो अस्त होने लगेंगे तब उनको अर्घ दिया जाएगा, उनको प्रणाम किया जाएगा, उनको नमस्कार किया जाएगा और पहला अर्घ स्वीकार करें ऐसी अर्जी दी जाएगी। तो ये कुछ इस तरह का यहाँ पे माहौल बना हुआ है और ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से पूरा तरह से दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। जो लोग यहाँ पे गीत भी गा रहे हैं, गीत गाया जाता है छठ का, छठ हो और छठ की गीत ना गाया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो लोग यहाँ पे छठ के गीत भी गा रहे हैं जो कि मैं आपको सुना रही हूँ अपने वीडियो में। और ये एक छोटा सा तालाब है जहाँ पे छठ पूजा संपन्न होगी। अभी आज पहला अर्घ है शाम का और धीरे धीरे लोग इकट्ठा होना शुरू हुए हैं। अभी भीड़ नहीं हुई है लेकिन धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो रही है। छोटे छोटे बच्चे साथ में आते हैं, पटाखे फोड़ते हैं घाट पर, पटाखे ज़रूर छठ पे फोड़ते हैं बच्चे। बच्चों का इंजॉयमेंट तो यही है कि कुछ कुछ खाएंगे और पटाखे फोड़ेंगे, तो वो पटाखे फोड़ रहे हैं जो कि मैं आपको आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में। संध्या का समय हो गया है, सूर्यास्त का समय निकट आ रहा है और धीरे धीरे तालाब के किनारे भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई है, क्योंकि पहला जल इसी समय दिया जाता है जब सूर्य भगवान अस्त होते हैं। और आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ इकट्ठा शुरू होने लगी है। लोग धीरे धीरे किनारे पे आना शुरू कर दिए हैं और ऊपर बेदी बना बना के लोग बैठे हुए हैं और जिन्हें अर्घ देना है या जिन्हें दिलवाना है वो लोग धीरे धीरे यहाँ पे किनारे पे
इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। हमारे बनारस में जो घर के लोग हैं वो तो अर्घ दिलाते ही हैं, साथ ही साथ वहाँ पे आपको पंडित जी भी मिल जाते हैं जो कि जो व्रती स्त्री है उसको अर्घ दिलाते हैं। और समय हो चुका है, थोड़ी देर में समय हो जाएगा सूर्यास्त का और भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई है। लोग अपनी अपनी जो कलश है, अपना जो सूप है, ले लेकर के किनारे पर आना शुरू कर दिए हैं और जो किनारे बैठे हैं तो सूर्यास्त होने का इंतज़ार ही कर रहे हैं। कुछ इस तरह से दीपक जला करके रखा जाता है और ये दीपक फिर जब वो लोग रख देते हैं तो तालाब में प्रवाहित कर देते हैं और एक दीपक अपने बेदी पर जला करके ही जाते हैं। और रात को रखवाली भी की जाती है बेदी की, जिसे कोई झूठा ना करे, कोई तोड़े फोड़े ना, इसलिए उसकी रखवाली भी की जाती है क्योंकि अगले सुबह फिर सूर्योदय से पहले वहाँ पे पहुँचना होता है और उगते हुए सूरज को जल दिया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि जिस निमित्त हमने यह व्रत रखा है वो पूरा करें और सबका कल्याण करें। तो कुछ इस तरह का छठ पर्व है, अपने में अनोखा पर्व है और 36 घंटे का ये व्रत होता है और अपने आप ही व्रत करने पर व्रती को शक्ति मिलती है ये व्रत रखने के लिए। तो बहुत ही मतलब माहौल एकदम बहुत ही पवित्र हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह बहुत ही सुबह जल्दी आना होता है भोर में, लेकिन आलस नहीं लगती है क्योंकि घाट पे आओ तो एक अलग ही रौनक आपको देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरह से छठ पूजा की जाती है और लोग तालाब में जाने भी लगे हैं भगवान को जल देने के लिए क्योंकि धीरे धीरे सूरज भगवान ढल रहे हैं। तो लोग अब जल देना शुरू करेंगे और डूबते हुए सूरज को भी नमस्कार करेंगे। और बच्चे उधर ऊपर पटाखे छोड़ रहे हैं, पटाखे छोड़ छोड़ के तालाब में फेंक रहे हैं, तो बच्चे कुछ इस तरह से एंजॉय करते हैं। और सभी लोग इस छठ पूजा का बहुत ही आनंद लेते हैं और मुझे छठ पूजा बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि बचपन से देखती आई हूँ, मेरी मम्मी करती थी और हम लोग बनारस में अस्सी घाट पे जाते थे और बहुत मज़े करते थे। और इस साल मैं वडोदरा में हूँ तो मैं आपको वडोदरा में दिखा रही हूँ कि कुछ इस तरह से छठ पूजा की जाती है। तो वीडियो में बने रहिएगा और आप भी छठ पूजा का आनंद लीजिए और खाली पूजा को देख कर ही इसका जो पुण्य है वो प्राप्त कीजिए। तो बने रहिएगा। तो देखिए लोग कुछ इस तरह से अपने सूप को सजा सजा के जा रहे हैं तालाब के किनारे, जो ऊपर बेदी बना करके बैठे हुए थे और धीरे धीरे लोग नीचे उतरना शुरू कर दिए हैं जिनको अर्घ देना है, पीछे कलश ले ले करके जिनको अर्घ देना है। तो कुछ इस तरह का माहौल बन रहा है अब अर्घ देने का। और यहाँ देखिए एक महिला सूप लेकर के अंदर जा रही है। दोस्तों सूर्यास्त का समय हो चुका है और अब लोग सूर्य भगवान को जल देने जाने की तैयारी में लग चुके हैं, कुछ लोग वहाँ पहुँच भी चुके हैं। चलिए जानते हैं कुछ यहाँ के लोगों से कि वो यह जो छठ पूजा है यहाँ बड़ौदा में कितने साल से कर रहे हैं और किस प्रकार से यहाँ पे लोग बड़ौदा में छठ पूजा करते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। आप यहाँ छठ पूजा बड़ौदा शहर में कर रही हैं तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कितने साल से बड़ौदा शहर में छठ पूजा कर रही हैं और क्या विधि है, किस तरह से जिस तरह से बिहार में छठ पूजा की जाती है क्या उसी तरह से आप छठ पूजा करते हैं, तो हमारे दर्शकों को आप बताइए। यहाँ छठ का पर्व को बहुत महत्व होता है। आज यहाँ हम नहीं तो 10 साल से कर रहे हैं छठ व्रत। छठ करने का विधि होता है, पहले नहा खा करते हैं, उसके बाद खरना करते हैं, उसके बाद छठ घाट आते हैं, अर्घ देते हैं। आज शाम को अर्घ देंगे, कल सुबह का अर्घ देंगे हम लोग। जैसे बिहार में होता है वैसे ही हम लोग यहाँ भी छठ पूजा करते हैं, विधि एकदम विधिवत पूजा हम लोग करते हैं यहाँ पे। यहाँ भी बेदी, यहाँ भी जिस जिसको इच्छा होती है वो अपना बेदी बनाते हैं, जिसको इच्छा नहीं होती है यहीं पे बैठ जाते हैं।
और लोग निकल पड़े हैं अर्घ के लिए तालाब के किनारे की तरफ, तालाब में जाएंगे और इस तरह से सूप को सजा लिया है और लोग बढ़ रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से सूर्य देवता को जो अस्त होने वाले हैं उनको जल अर्पण किया जाएगा, अर्घ दिया जाएगा। चलिए साथ में लेके चलती हूँ आपको तालाब के किनारे और दिखाती हूँ कि किस तरह से अर्घ दिया जाता है। तो वीडियो में बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। और जब भी आप घाट किनारे जब छठ पे जा रहे हो तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, थोड़ा किनारे बहुत कीचड़ होता है तो पैर स्लिप भी होता है या फिर पैर दलदली मिट्टी हो तो अंदर धंस भी जाता है, तो थोड़ा ये सब आपका ध्यान रखें। सेल्फी भी ले रहे हैं अर्घ देते हुए लोगों के साथ। तो चलिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि किस तरह से लोग अर्घ दे रहे हैं। और देखिए यहाँ किनारे पर बहुत भीड़ लग चुकी है क्योंकि सूर्यास्त हो रहा है या हो चुका है लगभग, थोड़ा मोड़ा ही सूर्य भगवान रह गए हैं तो थोड़ा सा भीड़ है। तो चलिए जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं उतने किनारे से आपको अर्घ दिखाऊंगी, तो कहीं जाइएगा मत, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए कुछ इस तरह से अपने सूप को लोग सजा सजा के जा रहे हैं और सूप जो होता है बांस का लोग यूज़ करते हैं, साथ ही साथ बहुत से लोग कुछ वर्ष बांस का सूप यूज़ करने के बाद जो पीतल का सूप बनवा लेते हैं और उसका हर वर्ष उसको धो धा करके उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि बांस का सूप एक बार यूज़ होने के बाद ख़राब हो जाता है। उसको घर में चावल वगैरह फटकने के लिए लोग यूज़ करते हैं, फिर वो कुछ समय के बाद ख़राब भी हो जाता है। तो ये तीसरे दिन शाम की अर्घ, पहला अर्घ है सूर्य भगवान को जो डूबते हुए सूरज को देने जा रहे हैं लोग। और सूर्यास्त हो गया है और लोग जल देने जा रहे हैं और थोड़ा यहाँ पे दिया भी जलता रहता है अगरबत्ती, तो थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखें, थोड़ा खतरा रहता है तो बच बचा करके ही किनारे पर जाएं। और मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है तो थोड़ी आवाज़ आपको भारी आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और प्रयास करूँगी कि आपको मेरी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे और स्पष्ट समझ में आए कि मैं क्या बोल रही हूँ, आपको क्या बता रही हूँ, ये मेरा प्रयास रहेगा। यहाँ पे सूर्यास्त हो गया है और लोग उनको उनका प्रार्थना कर रहे हैं। और इस तरह से ऊख अभी नदी या तालाब में खड़ा गाढ़ा जाता है और उसको बांध दिया जाता है पांच ऊख को एक साथ। बच्चे पटाखा फोड़ रहे हैं और इधर ही सूर्यास्त होगा। जोड़ा जोड़ा सूप का अर्घ दिया जाता है, एक सूप से अर्घ देने के बाद दूसरे सूप से
अर्घ देने के लिए लोग खड़े हुए हैं और जोड़ा जोड़ा लेकर के सूर्य भगवान को जल दिया जाता है। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से प्रयास कर रही हूँ कि आपको सब कुछ दिखा सकूं और छठ पूजा जो महापर्व है उसका पुण्य आपको वीडियो देख करके प्राप्त हो। तो यदि श्रद्धा भक्ति के साथ यदि वीडियो भी देख जाए तो भी पुण्य हो जाता है कुछ इस तरह से। जैसे ये महिला अर्घ दे रही है, सूर्यास्त तो हो चुका है यहाँ सामने और उनको ये तरफ मुख करके इस तरीके से जल में सूप को छुआ करके अर्घ दिलवाया जाता है। वो गोल गोल घूमती हैं और लोग सूप पे जल डालते हैं और आप जल के साथ साथ दूध से भी लोग अर्घ देते हैं। ये तो आज पहली अर्घ सूर्य भगवान को हो गई और इस प्रकार से तीसरे दिन का छठ भी सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। दोस्तों छठ के चौथे दिन आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और मैं आप सभी लोगों को छठ पूजा स्थल पे लेकर आ चुकी हूँ। लगभग भोर के 4 बजे हम लोग घर से निकले थे और काफ़ी अंधेरा था और हल्की हल्की ठंड भी थी, क्योंकि अब एक दो दिन में 9 नवंबर शुरू हो जाएगा तो हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी और घाट पे लाइट्स वगैरह होने की वजह से चारों तरफ आपको रोशनी दिख रही होगी। और सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि 1.5 घंटे पहले पहुंचना होता है ताकि वहां पे भी चल करके बेदी की पूजा करनी होती है, सूप रेडी करना होता है और सब तैयारियां करनी होती है। सूर्योदय से पहले जाके तालाब में खड़ा भी होना होता है जल देने के लिए। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपकी महिलाएं अपने अपने बेदी के पास आकर के बैठ गई हैं। जिस बेदी पर शाम को बैठी थी वहाँ पे पूजा किया था वहीं पे आकर के सुबह भी महिलाएं बैठती हैं और बेदी की पूजा करती हैं, दिया वगैरह दिखाती हैं, माला फूल चढ़ाती हैं और सूप में वापस से फल फूल और ठेकुआ वगैरह सब कुछ सजा लेती हैं, सिंदूर टेक देती हैं और इंतज़ार करती हैं सूर्योदय का। और जैसे ही सूर्योदय होने वाला होता है तो वो लोग तालाब की तरफ, नदी की तरफ बढ़ चलते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लोग धीरे धीरे जो तालाब के पास जो लोग बैठे हुए थे वो लोग तालाब में जा जा के खड़े भी होना शुरू हो गए हैं। अभी थोड़ा समय है, अभी आपको चारों तरफ अंधकार भी दिख रहा होगा। धीरे धीरे जैसे लालिमा आना शुरू होगी तो सूर्योदय होने का, आगमन होने का संकेत मिलने लगेगा और लोग फटाफट से तालाब में जाकर के खड़े हो जाएंगे। और ये दूसरा अर्घ है, यानी कि धीरे धीरे हल्की हल्की लालिमा होना शुरू हो चुका है तो लोग तालाब में आके खड़े हो गए हैं। बिहार में सा रिचुअल है कि लोग नाक पर से पीला सिंदूर पूरी मांग में लगाते हैं और महिलाएं एक दूसरे को लगा भी रही हैं। अर्घ देने से पहले ये सिंदूर लगाना ज़रूरी होता है और सब एक दूसरे को देखिए, वीडियो में आपको दिख भी पा रहा होगा कि नाक पर से लोगों ने सिंदूर लगा रखा है और अपने अपने सूप को लेकर के तालाब में खड़ी हो गई हैं, उसमें दिया बत्ती जला करके। और जिधर से सूर्योदय होने वाला है उधर का मुख करके तालाब में खड़े होते हैं और विनती करते हैं कि हे सूर्यदेव आप जल्दी से जल्द उदित हो जाइए और हमारी जो पूजा है, हमारा जो भेंट है, हमारी जो विनती है उसको स्वीकार कीजिए। और जिस कारणवश, जिस निमित्त से, जिस श्रद्धा के साथ में हमने आपका व्रत रखा था, पूजा किया है, वो आप स्वीकार करें और सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, बच्चों को लंबी आयु दें, उन्हें सफल करें, सुख समृद्धि से संपन्न रखें। तो दोस्तों सुबह के अर्घ के साथ इस तरह से छठ पूजा संपन्न होती है और भगवान सभी पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखें। और जिन जिन लोगों ने यह पूजा लाइव भी देखी है उनको भी पुण्य प्राप्त हो और उनकी भी सभी मनोकामना पूरी हो। और अब मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ और आप सभी लोगों से मिलती हूँ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय हो छठी मैया, जय जय मैया।